कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 15 नवंबर को प्रचार थम गया, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी भी तेज हैं। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी लेटर वायरल करने का आरोप लगाया है। इसमें एक वायरल सर्वे का जिक्र है जिससे विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल 15 नवंबर को रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के फर्जी लेटर हेड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया है। इसमें चुनाव के परिणामों को लेकर एक मनगढ़ंत आकलन किया गया है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र, फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं किसी वेणुगोपाल के पास भेजने की झूठी पत्र को वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वायरल किया गया मैं पूरी शंका है, इसलिए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हम मांग की है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की जाए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो टीम देख रहे हैं, मैंने नाम भी जिनके ऊपर शंका उनका नाम भी इस आवेदन पत्र में दिया है, ये जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र और फर्जी सर्वे रिपोर्ट बनाकर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी KC वेणुगोपाल को भेजने का झूठा पत्र वायरल किया गया है। पूरी आशंका है कि इसे बीजेपी ने वायरल किया है, लिहाजा सिविल लाइन्स थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि इसमें तत्काल FIR दर्ज करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए।